दोस्तों आज अपने ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। दोस्तों बता दूँ कि अगर जो दिन रात काम कर रहा है सोशल मीडिया पे वो प्रेशर में आ जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आप लोग हमेशा के लिए एक्टिव नहीं रहिए, अपना एक टाइम बांध लीजिए और सोशल मीडिया पर वर्क टाइमली कीजिए बस, और उसके बाद सोशल मीडिया को मतलब भूल जाइए, अपना काम में व्यस्त रहिएगा, अच्छा रहिएगा। सोशल मीडिया ऐसा मतलब मेरा मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि सोशल मीडिया अगर आप दिन रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, तो आपका दिमाग फट सकता है, नस फट सकता है और आपका डेट हो सकता है। इसीलिए कहता हूँ सोशल मीडिया पर काम कर रहे हो तो बिल्कुल भाई सोशल मीडिया उसको मतलब एक टाइमली कीजिए और काम बस काम करके छोड़ दीजिए और भूल जाइए कि मैं सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा मानना है कि मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ और मैं डिप्रेस में बहुत दिन से पड़ गया था और उसके बाद मैं सोल्यूशन निकाला इस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसके बारे में अगर सोचता रहूँगा और देखता रहूँगा कितना व्यूज़ गया कितना नहीं, तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ और मेरा दिमाग ऐसा लगता है कि फट जाएगा इसमें दिमाग का नस। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग का भी ऐसा होता होगा। दोस्तों अगर मेरे साथ हो रहा होगा तो अगर आप भी यूट्यूबर है, आप भी ब्लॉगर है, आप भी मतलब सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप भी क्रिएटर है, तो आपको भी ये होता होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया भाई मतलब मजाक में मत लीजिएगा, हल्का में मत लीजिएगा, सोशल मीडिया बहुत खतरनाक भी चीज़ है। तो मेरी उम्मीद है कि मेरी बातों से आप लोग समझ गए होंगे और मेरे बातों से आपको आप सीखने को मिला होगा, और बस जितने मतलब मेरे एक्सपीरियंस था आप लोग शेयर कर दिया भाई, सोशल मीडिया को हल्के में नहीं लेने का, दिमाग का नस फट जाएगा, ठीक है। और जिस जिस बंदे का ऐसा अगर प्रेशर लगता हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि लोग जाने, लोग समझे आप लोग की बातों को और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। तो धन्यवाद, जो वीडियो देख रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।